नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर काउंटिंग होगी और इन 28 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। शिवराज रहेंगे या फिर कमलनाथ राज वापस लौटेगा। ग्वालियर, भिंड और मुरैना में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। एक हॉल में 7 से ज्यादा टेबल नहीं लगाई जाएगी। पोस्टल बैलेट और ईवीएम से गिनती साथ साथ होगी। IBC 24 पर आप सबसे पहले और सटीक नतीजे देख पाएंगे काउंटिंग के। तो पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। तो प्रदेश के 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव हुआ। उस दिन भी मंगलवार था, आज नतीजे आ रहे हैं। आज भी मंगलवार है और इन परिणामों से यह तय होगा कि भाजपा का कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ फिर से सत्ता में आएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट के साथ होगी और इसके बाद 8:30 बजे ईवीएम के मतों की गिनती होगी। और अब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद, यानी कि जब पोस्टल बैलेट खुलेंगे फिर ईवीएम की मतगणना शुरू होगी और अंतिम राउंड को रोक दिया जाता है। लेकिन इस बार यह नियम हटा दिया गया है, तो डाक मतपत्र और ईवीएम वोटों की गिनती लगातार चलती रहेगी। तो प्रदेश में 46,619 पोस्टल बैलेट डाले गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 3,675 मेघाओं में और सबसे कम 491 करेरा में पड़े हैं। तो अनूपपुर में सबसे कम राउंड है, 18 राउंड है, इसलिए यहां नतीजा सबसे पहले आ सकता है। जबकि 32 राउंड वाली ग्वालियर पूर्व सीट का सबसे नतीजा बाद में आ सकता है। और इस बार 12 मंत्री और 2 पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो इस बार काउंटिंग में नया क्या है, जरा ये भी समझिए। जिन ईवीएम का कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले नहीं होगा उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर तक वापस रखा जाएगा। तो मरवाही के लिए आज काउंटिंग है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट मरवाही। उपचुनाव के लिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना के लिए सुरक्षा के वहां भी पुख्ता इंतजाम किए गए। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के जीत के अपने अपने दावे हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह और डॉक्टर के ध्रुव की किस्मत का फैसला 3 तारीख को हो चुका था, लेकिन भविष्य आज पता चलेगा। और 2 संवाददाता फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, राकेश चतुर्वेदी और दीपक यादव हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले दीपक आपके पास आता हूं, क्या स्थिति है, क्योंकि 8 बजे से भोर हो चुकी है और भोर के बाद ये आज का दिन किसकी किस्मत लेकर आएगा? कमलनाथ वापस लौटेंगे या फिर शिवराज ही रहेगा, क्या होगा? ये तो 8 बजे के बाद फैसला आना शुरू हो जाएगा। पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पर विजय, आज मंगलवार है और मंगलवार आज किसका मंगल करता है देखना होगा। लेकिन आज यहां पर नेहरू स्टेडियम में सांवेर विधानसभा सीट की काउंटिंग होनी है, जिसको लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा सुबह सुबह ही यहाँ पर चुनाव पर्यवेक्षक, जिला दंडाधिकारी और जो CRPF की यहाँ पर टीम आई हुई है, उन्होंने पूरी जगह पर निरीक्षण किया। 2 कमरों में ये पूरी काउंटिंग होगी, 7-7 टेबलें लगेंगी और इसके अलावा 28 राउंड आज पूरे सांवेर विधानसभा के लिए हैं। 380 बूथों पर जो वोटिंग हुई है उसके बाद यहां पर जो काउंटिंग है ठीक 8 बजे शुरू कर दी जाएगी। 2807 यहां पर डाक मतपत्र पड़े हैं, जिसमें कि 80 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के व्यक्ति, कोरोना पेशेंट और जो दिव्यांग है, जिन्होंने सहमतियाँ दी थी वो उनके ये वोट हैं। और कुल मिलाकर 78.01% यहाँ पर रहा है वोटिंग परसेंटेज, जिसमें कि 2,10,707 वोट यहाँ पर टोटल पड़े हैं 2,70,000 वोटों में से, जिसमें कि पुरुषों की संख्या की हम बात करें तो 1,11,000 है, तो वहीं 91,000 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और निश्चित तौर पर आज सभी जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। यहां पर मुख्य उम्मीदवार भाजपा से तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू थे और दोनों के बीच में काफ़ी कश्मकश का मुकाबला देखा गया है। दोनों की तरफ से काफ़ी यहाँ पर जोर आजमाश के प्रचार की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां हुई और देख सकते हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके से की गई है। नेहरू स्टेडियम में अभी लगातार यहां पर जो पुलिस की तैनाती है वो बढ़ाई जा रही है और जो सुरक्षा बल है वो इस वक्त अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कई बातों का ध्यान रखा गया है। खासतौर पर चूंकि कोरोना के मद्देनजर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है और मीडिया को भी ज्यादा अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रत्येक राउंड के बाद सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे और
अभी की हम बात करें तो जिस तरीके से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तमाम उनके जो पोलिंग एजेंट यहाँ पर बनाए गए हैं वो अंदर मौजूद रहेंगे। सभी को जो पत्र जारी किए हैं केवल उन्हीं का यहाँ पर प्रवेश रहेगा जिनको अंदर जाने के लिए जो प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और निश्चित तौर पर काफ़ी आज का जो चुनाव ये तय करेगा कि राजधानी भोपाल में किसकी सरकार रहेगी या किसकी नई सरकार बनेगी। लेकिन सुबह से ही हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी इंतज़ाम किए गए थे और ठीक 8 बजे यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जी राकेश के पास चलते हैं। राकेश कहाँ हैं आप, क्या व्यवस्था देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, 8 बजे की क्या तैयारी मतगणना की? देखिए विजय, मतगणना की बड़ी बातों की बात करें तो इस बार जो है मतगणना को लेकर कई तरह के बदलाव तो हैं ही, लेकिन IBC 24 की टीम 19 जिलों के साथ हर उस कार्यालय में आज मौजूद रहेगी जहां पर की मतगणना से कार्यालय जुड़ा हुआ है, और सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक और सबसे पहले नतीजे IBC 24 दिखाएगा, इस बात की पूरी तैयारी की गई है। और एक और बड़ी बात की बात करें, जिस तरह जिलों में जो धड़कनें लगातार प्रत्याशियों की बढ़ेंगी उससे अधिक उथल पुथल राजधानी भोपाल में होने वाली है। दरअसल बीजेपी में प्रदेश कार्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जो मतगणना के नतीजे आएंगे उनका आकलन करने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय PCC कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मोर्चा संभालेंगे। यानी जो तैयारी अब तक हम देख पाते थे कि जो जब भी नतीजे आते थे तो जो मुख्यमंत्री या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के दावेदार नेता होते थे वो इतनी हलचल इतनी उत्सुकता दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि इस नाम से मध्य प्रदेश में सत्ता का भविष्य तय होना है, प्रत्याशियों से अधिक जो चिंता है वो सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी को है। तो ऐसे में जो हलचल तमाम जिलों में रहेगी उससे अधिक उथल पुथल हम देख पाएंगे कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगी। मतगणना की बात करें, ठीक 8 बजे सभी जो 19 जिलों में और 28 सीटों पर मतगणना 8 बजे शुरू होगी, जो कि डाक मतपत्रों की गणना शुरू होगी। 8:30 से बात करें EVM से मतगणना शुरू होगी, और इस बार जो एक बड़ा परिवर्तन यह किया गया है कि मतगणना जो डाक मतपत्र जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक EVM से अंतिम चरण की गणना नहीं होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। EVM की गणना लगातार चलती रहेगी और खत्म भी हो जाए यदि डाक मतपत्र यदि वो कंप्लीट नहीं हो पाए तो भी जो है EVM की गणना पहले होगी। यानी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की ओर से एक निष्पक्षता और समय पर, चूंकि कोरोना काल है, COVID-19 की गाइडलाइन का लगातार पालन करने के दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग के हैं, ऐसे में एक बड़े बदलाव जरूर किए गए। वहीं दूसरी ओर बात करें, जिस तरह से देख पा रहे हैं कि 3 तारीख को जो मतदान हुआ था, खासतौर पर मुरैना और ग्वालियर चंबल के इलाकों में जो फायरिंग हुई थी, जो कई तरह की घटनाएं हुई थी, तो उससे कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा सबक लिया है। निर्वाचन आयोग को अंदेशा है मतगणना के दौरान भी और मतगणना के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इस बात को लेकर जो भारी पुलिस फोर्स इस बार तैनात किया गया है, जो तैयारी मतगणना स्थलों पर थी वही जो अभी जो मतगणना स्थल पर इस बार की गई है, और जो खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो पासधारी है उनको ही मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि जो तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं, उनको पास जारी किए गए हैं, उनको जरूर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो मतगणना स्थल है उसके बाहर भीड़ जमा नहीं हो, इस बात का खासतौर पर ध्यान दिया गया है। वहीं हम बात करें सरकार की ओर से, तमाम जो कलेक्टर और जो SP हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। वहीं निर्वाचन आयोग पूरी तरह से आज इस पर नजर रखे हुए है, यानी कह सकते हैं कि जो सख्ती इस बार देखने को मिलेगी खासतौर पर मतगणना स्थल के बाहर वो जरूर देखने लायक होगी, क्योंकि पुलिस और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि 3 तारीख की जिस तरह से घटना हुई थी निर्वाचन आयोग तक लगातार शिकायतें पहुंची थी, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निर्वाचन आयोग ने नाराजगी जाहिर की थी, और अब इस तरह की घटनाएं रिपीट नहीं हो इसका मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही विजय कह सकते हैं जैसे जैसे जो EVM की बटन खुलती जाएंगी, रीओपन होती जाएंगी, हालांकि भविष्य पहले तय हो चुका है जो क्या होगा तय हो चुका है, लेकिन इसका खुलासा आज होगा, तो आज जो खुलासा होगा निश्चित तौर पर किसी एक राजनीतिक दल के लिए ये आज है एक सुखद रहेगा। कह सकते हैं कि आज दिवाली अभी होने में 4 दिन शेष है, लेकिन आज ही के दिन उसकी दिवाली मन जाएगी। भाई दूसरा विपक्षी दल है उसकी दिवाली जरूर फीके रहने वाली है। ये दिवाली किसकी खुशियों वाली है, मध्यप्रदेश में आज तय हो जाएगा, लेकिन मध्यप्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी हम बात कर ले, उसका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र तवाई तुम्हारे साथ है।
जितेंद्र, मध्य प्रदेश का हम अभी जो हिस्सा देख रहे हैं, राकेश और दीपक से हमारी बात हुई, वहां थोड़ा अभी अंधेरा और है, लेकिन आप जहां हैं वहां उजाला हो चुका है, अंधेरा छट गया है। थोड़ी देर बाद यहां भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8 बजे। यहां भी जो राजनीतिक अंधेरा दोनों पार्टियों के अभी फिलहाल प्रत्याशियों पर छाया हुआ है वो भी हट जाएगा। किसकी किस्मत आज तेज रहेगी, मंगलवार का दिन है, लगातार मध्य प्रदेश से ये बात चलती रही कि मंगलवार हमारे लिए शुभ है, ये मंगलवार मरवाही में किसके लिए शुभ है? देखिए, निश्चित तौर पर मरवाही है और मंगलवार है, इसके साथ ही जो रात है वो बहुत लंबी गुजरी है मरवाही के लिए, क्योंकि यहाँ पर आज जो कांटे की टक्कर थी भाजपा और कांग्रेस में, और मरवाही का जो उपचुनाव रहा है इस बार बिल्कुल रोमांचक चुनाव रहा है, रोचक चुनाव रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में है। जोगी कांग्रेस की भी यहाँ पर अपनी एक बड़ी भूमिका है। हालांकि अब जब यहाँ पर मतगणना शुरू होगा उसके बाद ये धीरे धीरे स्पष्ट होगा कि आखिर मरवाही में कौन बाजी मारता है और मरवाही किसके खाते में जाता है। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरह से अब यहाँ पर जो तैयारी निर्वाचन की वो पूरी कर ली गई है, हम मतगणना स्थल के बाहर ही खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं, ठीक 8 बजे यहाँ पर जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। सबसे पहले आधे घंटे जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी यहाँ पर गणना की जाएगी, उसके बाद ठीक 8:30 बजे यहाँ पर ईवीएम जो है वो यहाँ पर गिनती के लिए रखे जाएंगे और ईवीएम से जो काउंटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो 21 चक्रों में यहाँ पर जो मतगणना है वो पूरी होनी है। 14 अलग अलग यहाँ पर टेबल जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से यहाँ पर मतदान हुआ है, मरवाही की जो तमाम जनता है उन्होंने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर मतदान में हिस्सा लिया था। लगभग 1,48,700 जो मतदाता हैं उन्होंने यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत यहाँ पर ईवीएम में कैद हुई थी। तो अब जिस तरह से यहाँ पर मतगणना शुरू होगी उसके बाद ये धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मरवाही किसके खाते में जाता है और मरवाही का जो अगला प्रतिनिधि है वो कौन होता है। और अगर बात करें सियासी दावों की, तो कल देखा गया है आखिरी वक्त तक, आज भी कल भी रात तक ये स्थिति देखी गई है कि भाजपा भी लगातार दावे कर रही है कि मरवाही में जीत उनकी होगी, मरवाही उनके खाते में जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी अपना दावा है कि मरवाही का जो संग्राम है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। लगातार जो मरवाही की जनता है वो कांग्रेस पे अपना यहाँ भरोसा जताते आई है, इस बार भी कांग्रेस को भरोसा है कि मरवाही की जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी और उनके जो कांग्रेस के यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े थे डॉक्टर के ध्रुव वो यहाँ पर जीत के आएंगे। हालांकि जो समीकरण यहाँ पर बने हैं, जोगी कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान से बाहर रही है, लेकिन लगातार यहाँ पर जोगी परिवार का कोई न विधायक यहाँ पर रहा है, लेकिन इस बार स्थिति बदली है। जोगी परिवार यहाँ पर चुनावी मैदान में सीधे तौर पर नहीं था, लेकिन ये जिस तरह से जोगी कांग्रेस ने भाजपा को यहां पर अपना समर्थन दिया था उसके बाद जो ये पूरा मुकाबला था वो कहीं ना कहीं जो पहले समीकरण बन रहे थे, एक स्थिति ये लग रही थी अगर जोगी परिवार से यहां पर कोई खड़े होता है तो जोगी परिवार की यहां पर आसानी से जीत हो सकती है, क्योंकि अजीत जोगी का जिस तरह से निधन हुआ उनका क्षेत्र के लोगों के साथ जो सहानुभूति था वो सहानुभूति लहर चलेगी, जोगी परिवार को इसका फायदा होगा। लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव जिस तरफ से नामांकन निरस्त हुआ जोगी परिवार का, उसके बाद से एकदम से जो यहां पर सियासी समीकरण अगर बात करें तो वो एक बदल गए थे। सीधे तौर पर फिर जो मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच आ गया था, लेकिन इस बीच भी जो भाजपा की राह थी वो कहीं ना कहीं मुश्किल दिख रही थी, क्योंकि भाजपा यहां पर चुनावी मैदान में थी, भाजपा के जो पुराने रिकॉर्ड है, भाजपा यहां पर अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। पिछले बार भी जो चुनावों पे अगर देखा गया था, लगभग 27,000 जो भाजपा के कैडर वोट माने जाते हैं, लगभग उतने वोट भाजपा को यहां पर मिले थे। कांग्रेस जरूर यहां पर जरा नजर बनाए रखिएगा। जरा हम ये भी देख देते हैं कि मतगणना के पहले कहाँ कहाँ किसने क्या ट्वीट किया, किसने दर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े भी दर्शन किए हैं और प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचे हैं, मंदिर दर्शन करने के लिए गए हैं। तो अलग अलग प्रत्याशियों की वोटिंग से पहले भी तस्वीर आई थी और अब काउंटिंग से पहले भी तस्वीर आ रही है। और पूजा पाठ क्या असर लाती है, किसके जीवन में आज राजनीतिक सफर नया शुरू होता है, किसका सफर खत्म होता है या फिर फिलहाल के लिए रुकता है, थमता है, क्योंकि ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन भविष्य 8 बजे के बाद धीरे धीरे साफ हो जाएगा। और इधर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, मतदान भी मंगलवार को हुआ और मतगणना भी मंगलवार को है, मुझे विश्वास है हनुमान जी अपने परम भक्त कमलनाथ जी को निराश नहीं करेंगे। कमलनाथ जी के साथ अन्याय हुआ है, न्याय मिलेगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। नीचे भी लिखा है कुछ, सियापति रामचंद्र जी की जय, जय पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो ये अपनी अपनी तरफ से ट्वीट है, अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना है, शुभ संदेश है।
जरा एक तरफ ये भी गौर कर लेते हैं कि 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और बिहार की 243 सीटों पर भी आज मतगणना होगी। तो बिहार में भी फैसला होगा। बिहार में 38 जिलों के 55 काउंटिंग सेंटर्स में मतगणना शुरू हो जाएगी। बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की मतगणना भी होगी। आज तय होगा कि बिहार में वाकई तीर चलेगा या लालटेन जलेगी। नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे संवाददाता हमारे साथ। नासिर, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फोकस उपचुनाव का आप ही के क्षेत्र में रहा, 16 सीटों पर, और आप ही के पास आता हूं, क्या स्थिति देख रहे हैं सुरक्षा को लेकर, कोरोना को लेकर और मतगणना को लेकर? देखिए विजय, ग्वालियर चंबल संभाग बेहद खास है क्योंकि यहीं से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया गया था और यहीं से कांग्रेस की सरकार आई थी और फिर से दोबारा से शिवराज सरकार बनी थी और अब यहीं से डिसाइड होगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी, कांग्रेस की या बीजेपी की। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें बेहद खास है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ग्वालियर जिला है यानी कि ज्योतिराज सिंधिया का मुख्यालय है। यहीं से जो उनके कद्दावर मंत्री थे प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, उन्होंने मुन्नालाल गोयल, और उन्होंने सरकार में रहते हुए इस्तीफा दिया था और उसके बाद कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया था। लेकिन अब ये चुनावी मैदान में थे। आज इनकी जो काउंटिंग का जो काउंटडाउन था बस कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है और उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो उनके राजनीतिक भविष्य का भी एक उदय होगा। क्या इन होते हैं या आउट होते हैं, ये भी कई सारी चीज़ें। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ MLB ग्राउंड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कुछ ही देर बाद यानी कि जो टाइम दिया है उसके मुताबिक यहाँ से EVM निकाली जाएंगी और उसके बाद ये जो परिसर है वहाँ पर काउंटिंग होगी। लगभग 84 राउंड में ये काउंटिंग होगी। सबसे ज़्यादा जो काउंटिंग की जो संख्या है वो ग्वालियर पूर्व विधानसभा में है, फिर ग्वालियर और डबरा, ये 3 विधानसभाओं के यहाँ पर काउंटिंग का दौर है वो शुरू होगा। और जैसा कि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर कई सारे जो मंत्री हैं सिंधिया समर्थक, उनके राजनीतिक भविष्य भी आज दांव पे लगा हुआ है। वो बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन जिस तरह की जो स्थितियां निर्मित हुई हैं राजनीतिक जानकारों के हिसाब से, अगर हम कहें कि हमने खुद एक एक सीट पर जाकर एनालिसिस किया है, तो कहा जा सकता है कि जो मुकाबला है बेहद कांटे की टक्कर का है और इस बार जो परिणाम आएंगे वो अप्रत्याशित होंगे। कई मंत्री कहीं ना कहीं उनको हार का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसे राजनीतिक जानकार मानते हैं। लेकिन फिलहाल अब सब लोगों को इंतजार इस बात का है कि 8 बजे जब स्ट्रांग रूम से EVM बाहर निकलेंगी वो किस तरह के रिजल्ट है, वो कहां बाहर लेके आती है, तो सबकी निगाहें जो है वो अब EVM पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार जो रिजल्ट है वो देरी से आएंगे क्योंकि जिस तरह का कोविड की गाइडलाइन के तहत दो टेबलें बनाई गई हैं, जो दूरियां रखी गई हैं और राउंड जो बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जो रिजल्ट है वो देरी से आएंगे। जी, वाकई स्थिति क्या बनेगी ये भी देखना है क्योंकि ग्वालियर सबसे बड़ा सेंटर रहा है। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, इंदौर में पिछले दिनों की अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो सबसे ज़्यादा केसेस आना, केस के बाद वहाँ मौतों का आंकड़ा बढ़ना, ये एक चिंता का विषय रहा है। यही चिंता प्रशासन की भी आज रही होगी क्योंकि काउंटिंग का दिन है, प्रत्याशी जैसे जैसे आते जाएंगे उनके साथ भीड़ भी आती जाएगी। भीड़ को काबू करना और कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराना ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी आज। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना का जो लगातार आंकड़ा है फिर से बढ़ने लगा और उसके मद्देनज़र यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। रही बात समर्थकों की, तो समर्थकों को काफ़ी पहले ही जो BJP कार्यालय है उसके आसपास ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया जाएगा। यहाँ पर केवल उस बैरिकेडिंग के अंदर जिसके पास अधिकृत पास धारक हैं वही प्रवेश ले पाएंगे और इस बात का काफ़ी ध्यान रखा गया है कि जो मतगणना स्थल है वहाँ पर किसी भी तरह की भीड़ यहाँ पर एकत्रित ना हो और जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे उसके बाद की जो व्यवस्थाएँ हैं उसमें भी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था को गया है ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा दूरी पर बने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और चूंकि नेहरू स्टेडियम के अंदर की हम बात करें तो मतगणना स्थल पर भी इस बात का खासा ध्यान रखा गया है और इसी वजह से निर्वाचन आयोग ने जो टेबल है वो 1 से लेकर 7 टेबलें ही लग पाएंगी एक रूम में और इस तरीके से 14 टेबलें लगेंगी 2 कमरों के अंदर, तो ताकि जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे, जो मतगणना के अधिकारी हैं उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसके अलावा
अलावा जो अलग अलग सियासी दलों के अधिकृत व्यक्ति यहाँ पर बैठेंगे अंदर पोलिंग एजेंट के रूप में, उनको भी यहाँ पर उनके बीच में भी डिस्टेंसिंग बनी रहे, तो इन सब बातों का काफ़ी और ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और इसके अलावा चूँकि काफ़ी यहाँ पर समर्थकों के भी आने की संभावना है, तो उन समर्थकों को भी दूर रखने के अलावा उनके बीच में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसका भी खासा ध्यान रखा गया। इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी यहाँ पर बढ़ाया गया है और जो पुलिस बल है बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कोरोना से भी लड़ना है, सुरक्षा भी बनाए रखना है और मतगणना भी सुचारू रूप से चल सके। और ठीक 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे अब चूँकि अंधेरा छटने लगा है और 8 बजे से तस्वीर साफ होने लगेगी और तैयारियां पूरी की गई। और पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो सभी जिला मुख्यालय पर इस वक्त तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, ठीक 8 बजे सभी जिला मुख्यालय पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। नेपानगर की बुरहानपुर में काउंटिंग हो रही है, मांधाता की खंडवा जिला मुख्यालय पर हो रही है, सावेर विधानसभा सीट की इंदौर जिला मुख्यालय पर, ऐसे तमाम विधानसभा सीट को लेकर पर काउंटिंग की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि जो डाक मतपत्र हैं, जो उसमें से कुछ कोरोना पेशेंट्स के यहाँ पे 8 कोरोना पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने डाक मतपत्र से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, तो उनको विशेष तौर पर अलग तरीके से खोला जाएगा और देखा जाएगा कि किसने किसको वोट दिया है, तो वो काउंटिंग के साथ में ही वो पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। और 2806 वोट यहाँ पर हैं जो कि बैलेट पेपर से डाले गए हैं, और उनको लेकर सबसे ज़्यादा सियासी दलों की नज़र है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि उसमें या किस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलता है। जी वाकई, और धीरे धीरे अंधेरा छट रहा है, सूरज निकलने ही वाला है, और ये भी पता चलेगा कि कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ लौटेंगे, और मरवाही में आज का दिन किसके लिए शुभ होगा, ये मंगल किसके लिए मंगलकारी बन के आएगा, दोनों डॉक्टर वहाँ प्रत्याशी के रूप में मौजूद थे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, किसकी राजनीतिक डॉक्टरी चलती है। जितेंद्र, यहाँ जनता ने किस डॉक्टर का इलाज किया है, ज़रा एक व्यंग के माध्यम से एक कि हमेशा डॉक्टर इलाज करते हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं, लेकिन अब जनता ने किसका सही इलाज किया है ये आज पता चलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर यह होता ही आया है कि डॉक्टर जनता का इलाज करता है, लेकिन इस बार मरवाही की जनता ने डॉक्टर जो डॉक्टर प्रत्याशी हैं उनका इलाज किया, और किसको यहां पर ज़्यादा नंबर मिले हैं और कौन यहां पर इलाज में सफल हुआ है ये आज स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरह से यहां पर मतगणना शुरू होगी उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन डॉक्टर यहां पर कामयाब हुआ है, क्योंकि इस बार 2 डॉक्टर प्रत्याशी मरवाही के मैदान में है। डॉक्टर के ध्रुव कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और डॉक्टर गंभीर सिंह भाजपा से प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हुआ, एक पार्टी ने डॉक्टर को यहाँ पर मैदान में उतारा, दूसरे प्रत्याशी ने भी यहाँ पर पार्टी ने भी यहाँ पर डॉक्टर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो अब देखना होगा कि कौन डॉक्टर यहाँ पर कामयाब होता है और किसने मरवाही की नब्ज यहाँ पर। चलिए, कामयाबी किसके हाथ में, ये पल-पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, नासिर आपका भी, जितेंद्र आपका भी, पल-पल की अपडेट जनता तक पहुंचाते रहेंगे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर काउंटिंग 8 बजे शुरू होगी, तो इन 28 सीटों पर 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। शिवराज रहेंगे या फिर कमलनाथ वापस लौटेंगे, इसका फैसला आज ही होगा। ग्वालियर, भिंड और मुरैना में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। एक हॉल में 7 से ज्यादा टेबल नहीं लगाई जाएगी, पोस्टल बैलेट और ईवीएम से गिनती होगी। साथ साथ IBC 24 पर दिन भर आप देखिए काउंटिंग की पल-पल की अपडेट। इस बार काउंटिंग में नया क्या, यह भी आपको बता देते हैं। जिन ईवीएम का कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले नहीं होगा उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर तक रखा जाएगा, बाकी मशीनों से वोटिंग की गिनती जारी रहेगी। यदि प्रत्याशियों की जीत हार का अंतर डिस्प्ले नहीं होने वाली कंट्रोल यूनिट के मतों से अधिक है तो उसे मतगणना में नहीं रखकर परिणाम घोषित किया जाएगा, और इसी तरह यदि कम अंतर या कम का बराबर है, समानांतर है, तो मतों की गणना वीवीपैट के नियमानुसार की जाएगी। मतगणना में मैंडेटरी वीवीपैट की गणना में रेंडमली चयनित 5-5 वीवीपैट की स्लिप की गणना करके उसका सत्यापन किया जाएगा। मरवाही उपचुनाव के लिए 8 बजे काउंटिंग होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक सीट जिस पर उपचुनाव था, मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बीजेपी कांग्रेस नेताओं ने जीत के अपने अपने दावे और वादे किए हैं। यहां डॉक्टर गंभीर सिंह और डॉक्टर के ध्रुव की किस्मत का फैसला आज होगा। चलिए, अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ पल-पल जुड़ते जाएंगे। जरा सबसे पहले हम राकेश के पास चलते हैं। राकेश, क्या अपडेट है आपके पास?
चलिए राकेश तैयार नहीं, सुधीर तैयार मुझे दिख रहे हैं जरा। सुधीर आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल विजय। सुधीर बीजेपी कार्यालय के बाहर मुझे दिख रहे हैं। सुधीर आज दोनों ही कार्यालय पर जमकर भीड़ रहेगी, राकेश जरा थोड़ा तैयार हो रहे हैं, उनको समझने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक आपसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल देखिए विजय, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासत का केंद्र आज कांग्रेस और बीजेपी दफ्तर रहने वाले हैं, और बात की जाए तो चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारियों के साथ में राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां की हुई हैं, और आज मतगणना की पल पल पर अपडेट जो है वो बीजेपी के बड़े नेता रखने वाले हैं। मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर कंट्रोल रूम हिस्से को बनाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुभाष भगत के साथ में जो चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए लोग थे वो दिन भर मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ देर बाद मतगणना शुरू होगी। अगर बात की जाए तो जो जानकारी अपने जो काउंटिंग एजेंट है उनके द्वारा कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा जुटाई जाएगी। ये चुनाव विजय अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, और आज 10 नवंबर की तारीख जो है ये मध्य प्रदेश की सरकार का, मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य जो है वो तय करने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव कई हुए हैं। पहली बार एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जो कि सरकार का भविष्य तय करने के लिए है। लिहाजा आज का दिन काफी अहम, और थोड़ी देर बाद जब मतगणना शुरू होगी तो अपने दर्शकों को हम पल पल की जानकारी देंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कहां क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और मतगणना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। विजय जी राकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सब आपकी तस्वीर हमें दिख रही थी, आप कांग्रेस कार्यालय के बाहर थे, सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ क्या अपडेट? ये लगता है राकेश तक आवाज नहीं जा रही, विजेंद्र भी हमें नजर आ रहे हैं। विजेंद्र तस्वीर आपकी बता रही है कि मुख्यमंत्री निवास के आसपास हैं आप? बेशक विजय, मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा पावर सेंटर मुख्यमंत्री निवास के सामने ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और आज फैसले की घड़ी है। आज तय होगा कि मुख्यमंत्री निवास में शिवराज सिंह चौहान बरकरार तरह से आगे भी रहते रहेंगे, या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की इस सीएम हाउस में वापसी होगी। मध्यप्रदेश में सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु, पावर का सबसे बड़ा सेंटर जो है मुख्यमंत्री निवास है, और जिस तरह से बीते दिनों तमाम घटनाक्रम है, यही वो सीएम हाउस है जहां 20 मार्च 2020 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वजह ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, बीजेपी के दामन में का दामन उन्होंने थाम लिया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में वो हुआ जो कभी मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ, तमाम जो विधायक थे कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें मंत्री बनाया गया, और उसके बाद चुनावी मोड में कांग्रेस, बीजेपी, शिवराज, कमलनाथ और तमाम कांग्रेस और बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो तमाम चेहरे चुनावी मोड पर आ गए थे, इलेक्शन मोड पर आ गए थे, और ताबड़तोड़ उसके बाद जिस तरह का चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश ने देखा है, उपचुनाव का ऐसा रण कभी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, और अब आखिरकार फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होगी, 28 सीटों पर काउंटिंग कुछ ही देर में शुरू होनी है, 8 बजे से शुरू होनी है। 19 जिला मुख्यालयों में पुख्ता व्यवस्था निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है, और सबकी निगाहें रहेंगी इस सीएम हाउस पर, जहां पर इस वक्त मैं जिसके सामने खड़ा हुआ हूं। हालांकि फिलहाल अभी यहां पर शांति की स्थिति है, लेकिन जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे वैसे वैसे यहाँ तमाम VIPs का, तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके आने जाने का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा, और वाकई ये आने जाने का सिलसिला आखिर बना रहेगा। मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि विजेंद्र क्योंकि ये बंगला जो रह रहे हैं वही यहाँ रहेंगे या फिर कोई और इसमें आकर रहेगा, ये आज तय होगा। और कांग्रेस कार्यालय पर राकेश हमारे साथ, राकेश कांग्रेस कार्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ क्या आप ताजा स्थिति देख रहे हैं, जरा बयां कीजिए। देखिए विजय, कांग्रेस कार्यालय की बात करें, कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां पर जैसे ही मतगणना शुरू होगी उसके कुछ देर बाद पहुंचेंगे, और यहां से तमाम जो 28 सीटों की स्थिति है उसका लगातार उस पर नज़र रखेंगे। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था में खासा इजाफा किया गया है। हम देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस कार्यालय है चारों तरफ बैरिकेडिंग देख सकते हैं, और
इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि जो मुख्य सड़क है वहाँ पर भी जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी भीड़ जुट सकती है या फिर जो मतगणना के परिणाम के बाद की स्थिति का आकलन कर प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से ये व्यवस्था की गई है, तो खासतौर पर देख पाएंगे कि जो तैयारी की गई है, जो पूरे कार्यालय को चारों तरफ से बैरिकेड से ढक दिया गया है और मेन रोड की बात करें वहाँ तक बैरिकेडिंग की गई है, यानी कहीं ना कहीं इनपुट इस बात को लेकर जरूर है कि चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस कार्यालय, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की में क्या क्या स्थिति निर्मित हो सकती है। फिलहाल बात करें जो अभी तक का कार्यालय का इनपुट है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यहाँ पर कंट्रोल रूम में बैठेंगे और तमाम सीटों की जैसे ही मतगणना शुरू होगी उसके कुछ समय पश्चात यहाँ पर पहुँचेंगे और तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे, तब तक जमे रहेंगे जब तक कि मतगणना के अंतिम परिणाम नहीं आते। और मतगणना की बात करें सबसे पहले जो परिणाम आएगा अनूपपुर सीट का आएगा, जिसमें कि 18 राउंड में मतगणना होगी। वहीं सबसे जो बाद में परिणाम आने की संभावना है वो ग्वालियर पूर्व सीट की है और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक राउंड है, 32 राउंड में मतगणना पूरी होगी, तो जो दोनों ही नेता पूरी मतगणना पर यहाँ से नज़र रखेंगे। इसके साथ ही ये कांग्रेस की ओर से जरूर कहा गया है कि फिलहाल जो आम कार्यकर्ता है वो पार्टी कार्यालय नहीं आए, लेकिन हाँ जो कोर कमेटी टीम के सदस्य हैं, जो कमलनाथ टीम के सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर बैठेंगे, चूंकि कमलनाथ खुद इसे प्रदेश ये तो पार्टी की तरफ से हो गया राकेश, लेकिन जब जैसे जैसे परिणाम आएंगे ये पता चल जाएगा कि भीड़ कहाँ इकट्ठी होगी, भीड़ कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठी होगी या फिर जहाँ सुधीर खड़े थे वहाँ इकट्ठी होगी। जरा और भी संवाददाताओं के पास चलते हैं, वो भी पल पल की अपडेट के साथ जुड़े हुए। जरा नासिर के पास चलते हैं ग्वालियर में। नासिर, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा आप पर ही रहता है क्योंकि आपकी एक ऐसी जगह है जहाँ से सत्ता का संग्राम शुरू हुआ था और जो हम टेली चला रहे हैं इसमें भी हम लगातार दर्शकों को बताएंगे कहाँ आप क्या देख पाएंगे। 8 बजे इसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा, हालांकि जो समझ रहे होंगे वो देख भी पा रहे होंगे। नासिर, इन 16 सीटों पर सबका फोकस, यहां तक कि सिंधिया जी का भी फोकस, कमलनाथ जी का भी फोकस, शिवराज जी ने भी फोकस किया, सब सारे जितने भी जीत है उन्होंने अपने जी जान से पूरी ताकत झोंक दी। अब सवाल यह है कि ये 16 सीट किसकी झोली में? देखिए, मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि यहीं से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई थी और फिर यहीं से मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार की विदाई का काम हुआ, फिर शिवराज सरकार फिर आई, लेकिन अब यहां से ही निर्भर होगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार बीजेपी की रहेगी या कांग्रेस की। इसलिए दोनों ही दल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन इस दौरान देखा जाए तो जो शब्दों की मर्यादा भी थी इस कैंपेन में वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई थी, लेकिन ये जरूरी इसलिए था क्योंकि 16 सीटें बेहद खास थी क्योंकि यहां से जो सिंधिया तक के 6 सबसे ज्यादा मंत्री थे उनको कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी उनको हराना चाहती थी क्योंकि बड़े नाम जैसे कि बात करें तो ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर है, डबरा से इमरती देवी है, महिला बाल विकास मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़, ऐसे कई नाम ऐसे थे जो कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक थे कट्टर, जिनकी वजह से सबसे पहले दौर में जो सिंधिया के साथ में 22 मार्च को गए थे इनकी वजह से सरकार चली गई थी। तो कांग्रेस का फोकस यही था कि शुरुआत जो की जाए वो यहीं से ग्वालियर से की जाए। तो आपने देखा भी होगा कि कमलनाथ ने जो अपना कैंपेन स्टार्ट किया था वो ग्वालियर से किया और ग्वालियर में ही उसका समापन किया और उन्होंने लास्ट में ये भी कहा था कि जो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार को गिराने की जो इबारत लिखी गई थी वो ग्वालियर से इबारत लिखी गई थी, इसलिए मैंने भी अपना कैंपेन था वो ग्वालियर से शुरुआत किया और ग्वालियर में ही खत्म किया। तो सबसे बड़ा जो फोकस था ग्वालियर चंबल संभाग था और इसीलिए दोनों ही दल ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था क्योंकि ज्योतिराय सिंधिया का ये गृह जिला है और ऐसे में ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीटें आती हैं, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर MLB ग्राउंड में, यहाँ पर कॉलेज में यहाँ पर काउंटिंग है, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो ग्वालियर चंबल संभाग पर है क्योंकि जब मतदान हुआ था तो ऐसी तस्वीरें आई थी मुरैना की हो, सुमावली की हो, गोहत की जहाँ पर फायरिंग होती नज़र आई थी, तो जो पुलिस और प्रशासन को जो इनपुट मिले थे उसके बाद ग्वालियर जिले में लगभग 12 पॉइंट ऐसे डिसाइडेड किए गए हैं कि जहाँ पर मतगणना के दौरान कहीं ना कहीं जो विधानसभा में कुछ लोग उपद्रव की स्थिति जो पैदा कर सकते हैं तो वहां पर एडिशनल फोर्सेस है वो तैनात किया गया है, वज्र लगाई गई है। ये हालात पूरे ग्वालियर से पहले भी तैनात पहली बार हो रहा है कि जब मतगणना स्थल के साथ फोर्स किसका चला ये भी हमने देखा। जरा हम चलते हैं, नवीन हमें नजर आ रहे हैं। नवीन, कहां है आप, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास के बाहर हूं और अब से कुछ देर बाद यहां
ज़बरदस्त तरीके से गहमागहमी नज़र आने वाली है, चूँकि फ़िलहाल 7:15 का वक्त है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है और कुछ देर में शुरुआती कुछ घंटों में ट्रेंड आएंगे, इसके बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालाँकि खबर ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ से कुछ देर में रवाना होंगे और सीधे मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय जाएंगे, जहाँ से वो बैठ कर पूरे चुनाव का काउंटिंग को देखेंगे, किस तरीके से कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ नाराज़गी, कहाँ शिकायतें हैं, कहाँ क्या आपत्ति है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए कमलनाथ कुछ देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। हालांकि उसमें अभी वक्त है, तकरीबन 10 से 10:30 के बीच में वो यहाँ से रवाना होंगे और सीधे PCC दफ्तर जाएंगे। वहीं से तमाम कांग्रेस के चुनाव से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बंद कमरे में बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे। उस वक्त उनके साथ उनकी एक टीम होगी, जो खास टीम उनके साथ रहती है, IT के भी कुछ लोग होंगे, साथ ही साथ चुनाव आयोग का जो काम देखने वाले जो लोग हैं कांग्रेस की तरफ से, JP धनोपिया और राजीव सिंह संगठन मंत्री, चंद्रप्रभाष शेखर और दिग्विजय सिंह कुछ देर में भोपाल लौटने वाले हैं दिल्ली से। तो माना जा रहा है कि ये सब जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है कांग्रेस की, ये सब एक साथ बैठकर पूरे काउंटिंग की मॉनिटरिंग करेंगे। और चूंकि आज मंगलवार का दिन है विजय, सबसे खास बात कांग्रेस मंगलवार के दिन से बेहद इत्तेफाक रखती है। कुछ देर पहले ही दिग्विजय सिंह का भी एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि मंगलवार को वोटिंग हुई है, मंगलवार को काउंटिंग हुई है और कमलनाथ जी चूंकि हनुमान जी के परम भक्त हैं, लिहाजा हनुमान जी की कृपा कमलनाथ पर बरसेगी, मध्य प्रदेश कांग्रेस पर बरसेगी और मध्य प्रदेश कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी करेगी। जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उस दिन भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया पर जितने भी कांग्रेस के हैंडल हैं वहाँ से ये वायरल हुआ, वहाँ से ये पोस्ट हुआ कि जिस दिन मध्य प्रदेश में 28 सीटों की काउंटिंग है, वोटिंग है, वो दिन भी मंगलवार है और काउंटिंग जिस दिन होनी है वो दिन भी मंगलवार है। और ये माना जा रहा है कि अगर सत्ता में वापसी होती है तो अगले मंगलवार को ही मध्य प्रदेश कांग्रेस बतौर कमलनाथ बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो ये भी उम्मीद की जा रही है कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से। कुछ देर बाद यहाँ गहमागहमी का माहौल होगा, हालाँकि अभी ज़रूर सन्नाटा है विजय, चूँकि 7 बजे का वक्त है, लेकिन बंगले के अंदर कमलनाथ की पूरी टीम है, लगातार अभी से बातचीत जो चुनाव के पदाधिकारी हैं, जिन जिन लोगों को उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा दिया गया उनसे लगातार बातचीत सुबह से ही जारी है और सबको मुस्तैद कर दिया गया है। नजर बनाए रखिएगा, आप सब लेते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। जरा हम पेंड्रा चलते हैं, शरद अग्रवाल हमारे साथ है। शरद, क्या स्थिति है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनट का समय बाकी है, मतगणना शुरू हो जाएगी, पहले बैलेट की मतगणना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद EVM जो है वो ये फैसला करेगी कि वहाँ कौन जो है वो सत्ता में आ रहा है। क्या कांग्रेस जो दम दिखा रही थी वो दमदारी से दिखेगा या फिर BJP यहाँ बाजी मारेगी? मरवाही में मध्य प्रदेश की तरह सत्ता के लिए तो घमासान नहीं है, पर प्रतिष्ठा के लिए घमासान यहाँ पर जरूर देखा जा रहा है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है। भाजपा जो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से गठबंधन करके यहाँ पर मुकाबले में है, इसी बात को लेकर एक विशेष दिलचस्पी मरवाही के चुनाव परिणाम को लेकर देखी जा रही है। चूँकि ये राज्य बनने के बाद 20 सालों बाद ये पहला ऐसा अवसर होगा कि जब यहाँ पर जोगी परिवार का कोई भी सदस्य विधायक नहीं होगा। अब तक यहाँ पर जोगी परिवार के सदस्य ही विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। चूँकि कांग्रेस और भाजपा सीधी टक्कर है, सरकार के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, तो वहीं भाजपा भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ चुनावी मुकाबले में कांग्रेस को लगातार चुनौती दे रही है। भाजपा के अपने दावे हैं, कांग्रेस के मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कल ही इस बात को स्पष्ट किया था कि 15 से 20% वोट मार्जिन होगी, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 25,000 से अधिक वोटों के जीत का दावा किया है। PCC चीफ मोहन मरकाम भी यहाँ पहुँच चुके हैं, तमाम कांग्रेस के आला नेता यहाँ पर नजरें बनाए हुए हैं। देर रात को अमित जोगी और रेणु जोगी के भी यहाँ पहुँचने की खबर है। तो इन तमाम बातों को देखकर यह बात कयास लगाए जा सकते हैं कि मरवाही का मुकाबला किसी दिलचस्प मुकाबले से कम नहीं होगा। जी चलिए इंदौर की भी तस्वीर देख लेते हैं। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। इंदौर में दीपक, किस तरह की स्थिति दिख रही है वहां, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद हलचल आपको दिखने लगी होगी, 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी, क्या हलचल दिख रही है आपको? देखिए बिल्कुल विजय, जो है यहाँ पर हलचलें बढ़ चुकी है और लगातार अधिकारी तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा जो पॉलिटिकल दल के लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि
बाहर की तरफ बड़े बड़े पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिसमें कि तुलसीराम सिलावट की जीत की अग्रिम शुभकामनाएं वाले ये पोस्टर लगे हुए हैं। अब ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है ये तो खैर नतीजे आने के बाद पता चलेगा, लेकिन हलचलें काफ़ी बढ़ चुकी है। चूँकि नेहरू स्टेडियम के आसपास पूरे एरिया में बैरिकेटिंग की गई है, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और लगातार चूँकि अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लग रही है तो वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी अधिकारियों की तैनाती यहाँ हो चुकी है और ठीक 8 बजे यहाँ पर काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी और उसके पहले की जो तैयारियाँ की जानी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब जो प्रत्याशियों का समय मिल रहा है वो करीब 7:30 बजे तक तुलसीराम सिलावट यहाँ पर मतगणना स्थल पर पहुँचेंगे। तो इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रेमचंद गुड्डू वो करीब 8 बजे तक यहाँ पर आएंगे। उसके पहले जो तुलसीराम सिलावट है मंदिर में दर्शन भी करने जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी और इस तरह की स्थिति पूरे मालवा निमाड़ की हम बात करें तो 7 सीटों पर बस ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सभी जगह पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चूँकि जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उन समर्थकों को नेहरू स्टेडियम से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही रोका जाएगा, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके पहले की सारी व्यवस्थाएं अगर हम दिखाना चाहें तो ये मुख्य द्वार है जहां से एंट्री पॉइंट है, यहां से मीडिया कर्मियों को पास दिए गए हैं और जो पॉलिटिकल सियासी दलों के लोग हैं वो यहां से प्रवेश करेंगे। इसके अलावा इस तरीके से 3 गेट और हैं नेहरू स्टेडियम के जहाँ पर कि अलग अलग जगह पर अधिकारियों के लिए, सियासत जो अन्य कर्मचारी हैं पुलिस बल के लिए, तो अलग अलग व्यवस्थाएँ की गई है। और मैं अपनी बाईं तरफ दिखाना चाहूँगा कि जो मुख्य मतगणना स्थल है वहाँ की तस्वीरों की बात करें तो वहाँ पर लगातार अब जो भीड़ है वो बढ़ने लगी है और 2 रूम यहाँ पर अलॉट किए गए हैं जहाँ पर कि मतगणना की जाएगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी टीम आई हुई है, यहाँ पर बाकायदा जो थर्मल स्कैनर है उसके जरिए टेम्परेचर लिया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और बिना मास्क वालों को यहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। तो कोरोना के मद्देनज़र भी सभी गाइडलाइन का यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है और ठीक 8 बजे यहाँ पर जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और उसके पहले की तैयारियों की हम बात करें तो सभी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी और अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी बुलाया गया, लेकिन भाजपा में एक अलग उत्साह जरूर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं तो भाजपा की तरफ से यहाँ पर अग्रिम शुभकामनाओं के तौर पर ये पोस्टर लगाए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि ये जो पोस्टर है ये कितने सही साबित होते हैं, खैर नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन काउंटिंग स्टार पर यहाँ पर तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं और बार बार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं तमाम अधिकारियों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए कि वो अपने नियत स्थान पर पहुँचें और ठीक 8 बजे यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी। कुल 13 प्रत्याशी सावेरी विधानसभा से मैदान में है जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। इसमें से मुख्य प्रमुख पार्टियों की बात करें तो भाजपा से तुलसीराम सिलावट, कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू और बसपा से विक्रम गहलोत मैदान में है। इसके अलावा अन्य प्रत्याशी भी हैं। टोटल 28 राउंड में पूरी काउंटिंग होगी और करीब 2,11,000 यहां पर मत पड़े हैं, उनकी मतगणना की जाएगी। चलिए सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, दीपक ने बताया और विजेंद्र भी जब सागर में थे तो उन्होंने भी तस्वीर शेयर की थी, ग्वालियर में भी हमने पोस्टर देखे, नासिर ने भी हमें बताया, भोपाल में किस तरह की स्थिति है? क्योंकि ये पोस्टर जो है क्या वहां भी लगे हुए हैं, क्या अग्रिम बधाइयां शुरू हो गई है बीजेपी की तरफ से? देखिए निश्चित तौर पर विजय, और अगर बात की जाए तो जो उत्साह है वो बीजेपी के खेमे में ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सभी 28 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी और बीजेपी को महज 8 सीटें जो हैं वो सरकार को बचाए रखने के लिए चाहिए। लिहाजा सागर की जो तस्वीरें निकल कर आई थी सामने, जैसा कि दीपक इंदौर से तस्वीरें बता रहे थे, भोपाल की तस्वीर उससे बिल्कुल भी जुदा नहीं है। मैं कहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा विनीत को अगर दिखा सके बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की ये तस्वीर, और मैं बाहर का नज़ारा दिखाऊँगा जहाँ पर अग्रिम जीत की शुभकामनाएँ जो हैं उसके ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाओं के पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। जो बात दीपक बता रहे थे इंदौर से कि किस तरीके से बधाइयों का सिलसिला और जीत की शुभकामनाओं का सिलसिला, उसको लेकर पोस्टर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए थे, लगभग ये स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आई। और ये 3 चेहरे जिनके इर्द गिर्द ये पूरा उपचुनाव नजर आया था, बीजेपी ने जिनके इर्द गिर्द ये पूरा उपचुनाव लड़ा था, जिसमें आखिर में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर पूरे वोट मांगे गए थे, पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने सरकार को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, प्रदेश अध्यक्ष बी डी
शर्मा जो कि संगठन के परीक्षा में सरकार बचाए रखने के लिए इस बार मैदान में थे, ये तीन चेहरों के साथ में ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता इन पोस्टरों में साफ नजर आ रहे हैं। और विजय अगर हम बात करें तो ये चुनाव में भले ही जो 28 उम्मीदवार थे उनकी किस्मत का फैसला भले ही इस पूरे उपचुनाव में होने वाला हो, पर लेकिन कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके राजनीतिक भविष्य का, जिनके करियर का जो है फैसला वो भी इस उपचुनाव में होने वाला है। इन तीन तस्वीरों में जो चेहरे नजर आए वो तो है ही है। शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आपसे कुछ देर बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, या फिर कमलनाथ इस चुनाव में वापसी करेंगे सरकार में, ये भी तस्वीर थोड़ी देर में बिल्कुल साफ हो जाएगी। पर लेकिन चुनाव प्रत्याशियों के अलावा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बड़ा चेहरा के राजनीतिक भविष्य उनका क्या होने वाला है बीजेपी के अंदर, कम से कम इस उपचुनाव के परिणाम जरूर तय करेंगे। और मध्यप्रदेश की सियासत के केंद्र में बीजेपी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद आने वाले समय में क्या होगा, यह निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल से जो तस्वीरें निकल कर आएंगी चुनाव के परिणाम को लेकर वो तय करने वाली है। तो कहना होगा कि उत्साह बीजेपी के खेमे में ज़्यादा नजर आता है, क्योंकि महज 8 सीट बीजेपी को सरकार बचाए रखने के लिए चाहिए। वहीं पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कठिन चुनौती कांग्रेस के सामने है। निश्चित तौर पर सभी 28 सीट अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके बाद ही सरकार में वापसी का जो रास्ता है वो कांग्रेस के लिए थोड़ा आसान नजर आएगा। वाकई यहाँ से अब तस्वीर बिल्कुल साफ होगी सुधीर, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन ये जो उत्साह है, ये अति उत्साह है या एक बॉडी लैंग्वेज आपकी बताती है कि आपको पहले से जीत का आभास हो गया है, ये जो है ईवीएम जब मत उगलेगी ना उस समय थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा।